नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है श्री कुंज फार्म के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बहुत ही प्यारी वीडियो में। ये वीडियो इस बार किसी नॉलेजेबल कंटेंट की तरह नहीं होने वाली है, ये बहुत ही प्यारी और यूनिक कंसेप्ट होने वाला है कि कुछ ही देर में हमारे फार्म पर ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिनसे कि पूरे फार्म की रौनक बढ़ने वाली है और डेफिनेटली एक मज़ेदार दिन होने वाला है। हम ऐसे एक्सक्लूसिव एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जो कि आज तक किसी भी काउ फार्म में पूरे इंडिया में नहीं हुई है, किसी भी स्कूल ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं करी है। साथ ही साथ एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट डे जो कि बहुत ही मेमोरेबल होने वाला है और साथ ही साथ एजुकेशनल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे श्रीगंज फार्म पे पहली बार इतने छोटे और इतने प्यारे ITM ग्लोबल स्कूल के बच्चे आए, हमारा पूरा दिन बन गया। हमारे यहाँ पे सभी छोटे छोटे बच्चों ने देसी गायों के बारे में जाना, उनका कैसे वैदिक गौपालन होता है उनके बारे में फन फैक्ट जाने, साथ ही साथ उनकी क्वेश्चनरीज में एंजॉय किया। हमारे दिन की शुरुआत हुई वैदिक गौपालन में, गौ माता के पूजन के साथ में। उसके बाद बच्चों ने बैठकर जाना गायों के बारे में। सभी के साथ हमने इतना मज़ा किया, सभी ने इतने सरप्राइजिंग क्वेश्चंस के आंसर दे के गिफ्ट जीते। इतने नन्हे नन्हे बच्चों ने जब छोटे छोटे हमारे फार्म के गाय के बछड़ों को देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और उन सभी ने मिलके छोटे छोटे बच्चों को खिलाया। ऐसा एक्सपीरियंस हर स्कूल में होना चाहिए जिससे कि छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को जान सकें और उन सभी क्रिएचर से मिल सकें जिनके साथ वो अपना डे शेड्यूल स्पेंड करते हैं। एनिमल्स हमें सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं, एक एथिक भी सिखाते हैं, हाउ टू लिव हैप्पीली। एनिमल्स को प्यार करने से हमारा साइकोलॉजिकल बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, हमारे अंदर बहुत सारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ती हैं, साथ ही साथ ग्रोथ एनहेंस होती है। किसी ने इनके बॉडी पार्ट्स बताए, किसी ने इनके बारे में बताया, किसी ने इनका मिल्क बताया, किसी ने इनके नाम बताए। इतना हमारा वेल स्पेंड डे रहा कि ये हमेशा मेमोरेबल रहेगा। हम थैंक करते हैं ITM ग्लोबल स्कूल ग्वालियर को जिसने कि इस दिन को इतना स्पेशल बनाया अपने बच्चों के साथ फार्म विजिट करा के। सभी बच्चों के साथ हमें इतने मज़े आ गए कि हमारा सबसे बेस्ट दिन ये रहा। और जब नन्हे मुन्ने बच्चे जा रहे थे तो हमें बहुत ही खाली खाली लगा, बट उम्मीद है कि जल्द ही वापस स्कूल के बच्चे आके फार्म पर और भी मज़े करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, आप सभी का स्वागत है श्रीकुंज फार्म पे इन सभी देसी गायों के साथ।